गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत कम आवाज सर, बहुत बहुत धीरे आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही आवाज। Yes, sir. है ना, मैंने कुछ सेटिंग चेंज की थी, उसकी वजह से हो गया होगा। अभी ये एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को? कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कुछ आज अपन करने वाले इन बॉलीवुड। साइक्लॉइड से कहीं ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ बनाने वाले हैं आज, इसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूम। माइक बंद कर लीजिए आप लोग अपने। इनवॉल्यूट बनाना है, जैसा कि मैंने कल बताया था, फिर से बता देता हूं मैं कि इनवॉल्यूट का मतलब होता है कि कोई एक सर्किल है और उसके पास, उसके आसपास कोई एक थ्रेड लपेटा हुआ है और जो थ्रेड का है, जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो यहां पर है। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है? तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट का पाथ क्या होगा? तो आप ये देख रहे हैं दूर होता जा रहा है, देखिए दूर होता जा रहा है। तो ये जो इस पॉइंट का जो पाथ होगा उसको हम इनवॉल्यूट बोलते हैं। तो अपने क्वेश्चन में इनवॉल्यूट बनाना है हमको सर्किल का, सर्किल का इनवॉल्यूट बनाना है और सर्किल का जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। एग्जाम में अधिकतर गलती ये यही होती है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते कि रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है। कई बार रेडियस दिया हुआ रहता है और हम उसका आधा कर देते हैं तो वो गलत है। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आपको उसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस दिया हुआ है 40 mm, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, तो रेडियस हो जाएगा 40 mm डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 mm। तो 20 mm तो हो गया रेडियस, ठीक है? और हमको जरूरत पड़ेगी इस सर्किल के सर्कमफेरेंस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। इसका फार्मूला होता है 2πr। तो 2π की वैल्यू होती है 3.14 और r मतलब रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा आपका 20 mm। तो 2 × 3.14 × 20, ये आप कैलकुलेटर में करोगे तो ये हो जाएगा 12.56।
2 × 3.14 × 2 = 12.56। तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आप यहां लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना आप लोग कि थोड़ी सी ये जगह ज्यादा रखना, आप हो सके तो इसको थोड़ा और नीचे बना लेना, और इधर लेफ्ट में भी जरूरत पड़ेगी। आप लोग यहां से बनाना शुरू मत करना, नहीं तो आप लोग यहां से शुरू कर दो, क्योंकि यहां लेफ्ट में जरूरत पड़ने वाली है जगह की। इसलिए मैंने लेफ्ट में नहीं बनाया, इसलिए मैं राइट में बना रहा हूं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए राइट में बनाइए, ठीक है। और इस लाइन की लंबाई लगभग लगभग रहेगी 12.56 mm, मतलब ये इस स्केल के बराबर यहां तक। तो इतनी जगह आपके पास हो कम से कम, यहां से लेके यहां तक इतनी जगह छोड़ दो। यहां पे एक सर्किल बना लीजिए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ये सर्किल आप बना लीजिए 2 cm रेडियस लेकर, कि जो रेडियस लेनी है आपको वो कितनी लेनी है, 2 cm, 2 cm रेडियस ले लीजिए और सर्किल बना लीजिए और उसके 12 पार्ट्स कर लीजिए। 12 पार्ट्स आपको करना आते हैं। और किसी को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, 8 पार्ट्स में करके देखना है तो 8 पार्ट्स में भी करके देख सकता है वो। किसी को अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है पर्सनल लेवल पे, वैसे आदत 12 पार्ट्स की ही होनी चाहिए, लेकिन 8 पार्ट्स भी अगर आप कर दोगे एग्जाम में तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें। बस 8 पार्ट्स में, 8 भाग में थोड़ी सी जो एक खराबी है वो ये है कि पॉइंट्स हमको कम मिलते हैं, दूर दूर मिलते हैं, तो आर्क मिलाने में हमको परेशानी होती है। सर, हाँ बोलिए सर। सर आपने उधर पॉइंट गलत जगह लगाया था, वो 12.56 नहीं होगा सर। 12.56 क्या कैलकुलेटर में गलत किया है कैलकुलेट? सर वो आखिरी में आपने इंटू 2 ही करा, वो 20 था ना, 20 mm था। अच्छा हाँ, तो सर आपने वहां पे यूनिट mm लगी है ना? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये हो जाएगा 125.6 mm और ये हो जाएगा 12.56 cm। ठीक है, थैंक यू। यस सर। आप लोगों का अगर सर्किल 12 पार्ट्स में अगर हो गया हो तो ये सर्कमफेरेंस बना लीजिए आप लोग 12.56। सेंटीमीटर या 125.6 mm। और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं करना ही है, नहीं तो एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी। हमेशा सेट स्क्वायर का यूज कीजिए। ये जैसे ये लाइन बनी हुई है और यहां से ये लाइन बनानी है, तो कभी भी ऐसा नहीं कि स्केल लिया और बना दिया। ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमेशा सेट स्क्वायर की मदद से बनाइए। ये देखिए सेट स्क्वायर की मदद से ही बनाया है मैंने ये। देखिए ये लाइन और ये लाइन, इससे क्या है कि ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट 90 के एंगल पे बनेगी। सेट स्क्वायर का यूज हमेशा कीजिए। और जब ये लाइन आपकी बन जाएगी तो इसको भी अपने को 12 पार्ट्स में करना है। 12 पार्ट्स में करने की मेथड आप लोगों को आती है, आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूं।
तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले से इस लास्ट वाले को मिला देंगे हम। और जो भी ये लास्ट वाली लाइन है इसके पैरेलल लाइन्स हम बना देंगे। तो जो सर्कमफेरेंस है वो भी 12 पार्ट्स में हो जाएगी, 12 इक्वल पार्ट्स। अगर 12.56 की जगह बाय चांस 12 होता अगर, तो हम डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते थे, लेकिन अभी 12 ना होके 12.56 है, तो इसलिए हमको पैरेलल लाइन वाली मेथड यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने सर्किल को भी 12 पार्ट्स में कर लिया है और सर्कमफेरेंस को भी 12 पार्ट्स में कर लिया है। अगर किसी ने सर्किल को 8 पार्ट्स में किया है, 8 भागों में किया है, तो वो सर्कमफेरेंस को भी 8 भागों में ही करना है उसको। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं शॉर्टकट के चक्कर में कि इसको नाप के यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं और यहाँ से कट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि सर्किल की लंबाई और ये सीधी लाइन की लंबाई अलग अलग होती है। इतना हो गया है क्या कुछ लोगों का? यस सर। यस सर। यस सर। काफी लोगों का हो गया है ना, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक होता है टेंजेंट और एक होता है नॉर्मल। ठीक है, जैसे कोई सर्किल है, कोई सर्किल है और सर्किल का ये सेंटर है और मैं कहूं कि इसका नॉर्मल क्या होगा और टेंजेंट क्या होगा। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल, और इससे 90 डिग्री पे अगर आप इसको बना देंगे, इसके 90 डिग्री पे अगर हम ये लाइन बना देंगे ऐसी, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट आप पूरा भी बना सकते हैं और एक तरफ भी बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। मतलब नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के एंगल के लिए हमेशा हमको सेट स्क्वायर का यूज करना है। सेट स्क्वायर का ही यूज हम करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और इससे इसको मिला दिया हमने, और अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट से होता हुआ टेंजेंट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? इस वाली लाइन पे आपको ये सेट स्क्वायर रखना है और या तो इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ या पूरा आप बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब होता है 90 डिग्री टू द नॉर्मल, नॉर्मल वाली जो भी लाइन है उसके 90 डिग्री पे जो भी रहेगा उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सर्किल पे उन सभी से होते हुए टेंजेंट बनाने हैं हमको,
आप मान के चलिए 12 नॉर्मल है आपके पास। पहला नॉर्मल है ये वाला, इसका नाम रख देता हूं मैं ओ ओ, और इसका नाम रख देता हूं पी। तो ओ पी जो है वो एक तरीके से आप मान के चलिए कि नॉर्मल है। अब इसका टेंजेंट बनाना है, तो इसका टेंजेंट ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, इसका टेंजेंट ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ओ पी हमारा पहले से उसका टेंजेंट ये वाला बना हुआ है। अब हम ध्यान देंगे ओ वन पे, ओ वन, ओ वन एक नॉर्मल है और इससे होता हुआ टेंजेंट बनाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ओ वन पे हम सेट स्क्वायर को रखेंगे। अब सेट स्क्वायर में भी आप बाहर वाली एज को यूज कर सकते हैं और ये अंदर वाली एज को भी यूज कर सकते हैं, अंदर वाली, बाहर वाली एज को भी यूज कर सकते हैं, अंदर वाली एज को भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी आदत ये अंदर वाले हिस्से को यूज करने की है, इसलिए मैं ये अंदर वाले हिस्से को यूज करूंगा। तो ये नॉर्मल है और इससे होता हुआ ये 90 डिग्री की लाइन बनाई मैंने, ये 90 डिग्री की लाइन बना दी मैंने। इसी तरीके से टू से भी होता हुआ मेरे को 90 डिग्री की लाइन बनानी है, मतलब टेंजेंट बनाना है। लाइन के लंबाई के बारे में अभी कुछ नहीं बोला है मैंने, अभी आप अंदाजे से बना लीजिए, ऐसे थ्री से बना लेंगे हम, और लाइन की लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। लाइन की लंबाई जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। ऐसी फोर, इसी तरीके से फाइव। अच्छा, डायरेक्शन जो है हमेशा एक ही तरफ रहेगी सभी की। अब देखिए, मैंने 5 तक टेंजेंट बना लिए हैं, मैंने P से टेंजेंट बनाया, ये ऑलरेडी बना हुआ है, फिर 1 से टेंजेंट बनाया, 2 पॉइंट से होता हुआ टेंजेंट बनाया, 3 से होता हुआ बनाया, 4 से होता हुआ बनाया, 5 से होता हुआ बनाया। इसी तरीके से मैं बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 से होता हुआ टेंजेंट भी बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब इस पे हम पॉइंट्स कैसे ट्रेस करेंगे। इन पे पॉइंट्स हमको ढूंढने हैं, इनवॉल्यूट हमको ढूंढना है। तो इनवॉल्यूट हम कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखिएगा। पी से लेके वन तक की जो डिस्टेंस है, पी से वन की जो डिस्टेंस है उसको हम जो वन वाला पॉइंट है उससे इस वाली लाइन पे मार्क करेंगे। एक बार और बता देता हूं, पी वन हमने लिया, पी वन की हमने डिस्टेंस ली और हमने उसको इस वाले वन से रख के यहां पे मार्क किया, ठीक है। अभी आपको आगे और समझ में आ जाएगा। फिर आपने P, ये इस वाले पॉइंट का नाम है P, मैंने ये P यहां लिख दिया। इसके बाद फिर हम लेंगे P2, P2
पी टू हमने डिस्टेंस ली और उसको ये वाला जो टू पॉइंट है, ये वाला जो टू पॉइंट है वहां से उसको सेंटर मान के इस टू वाली लाइन पे हमने मार्क किया, ये हो जाएगा पी टू, ये हो गया था पी वन। इसके बाद पी थ्री लिया हमने, अभी आप लोग बनाइए मत, चाहे तो देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। पी थ्री लिया मैंने, पी थ्री, और इसके बाद ये जो तीसरे नंबर का जो ये जो पॉइंट है, ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है इससे टेंजेंट पे कट लगाना है आपको, और जो टेंजेंट पे जो कट लगेगा दैट इज पी थ्री। इसी तरीके से पी फोर, इसी तरीके से पी फोर, अभी जो फोर जो पॉइंट है, ये जो फोर पॉइंट है इस फोर पॉइंट से जो टेंजेंट निकला हुआ है उस पर कट लगाना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पी फोर। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इन्वोल्यूट बनना शुरू हो गया है, ये देखिए ये इन्वोल्यूट बनना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी का कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। P5, 5 से रख के 5 वाले टेंजेंट पर हम कट करेंगे और ये हो जाएगा P5। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये P10 तक हो गया, मेरे को P11 वाला भी कवर करना पड़ेगा। और ये मैंने टेंजेंट पूरे बना लिए हैं, तरीका वही रहेगा। P6,
P6 P7 ये 6 वाला पॉइंट है, ये 7 है, ये हो जाएगा P7 P8 नहीं, मैंने कुछ गलती की है, कुछ गलती हुई है, P6 ये था, P7 ये है, ठीक है, P7 ये है, P8 ये वाला है, नहीं ठीक है, सब सही है, P10 P11 ये लास्ट पॉइंट है P11 और P12 ऑलरेडी है अपने पास, पहले से है P12, तो इन सभी को हम स्मूथ कर्व से बना लेंगे, ये आपको फ्री हैंड ही मिलाना पड़ेगा, कंपास का यूज मत कीजिएगा, फ्री हैंड मिलाना है आपको, और जितनी भी ये जो पॉइंट्स के बाहर की जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है उसको आप मिटा सकते हैं लास्ट में, माइक बंद रखिए क्योंकि माइक ओपन करने से ड्राइंग चली जाती है और आपका चेहरा दिखने लगता है।
क्या बात है, विपुल ने बना के भेज दिया, सुगतो ने बना के भेज दिया, राजुल ने बना के भेज दिया, उत्कर्ष ने बना के भेज दिया, क्या बात है, वेरी फास्ट। उत्कर्ष आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ना सेवन से, वो एकदम से सीधा पता नहीं क्यों चला गया, लास्ट वाला जो है, लास्ट कहां से कहां तक का सर? लास्ट वाला जो स्लॉट है, लास्ट वाला, वो कुछ सीधा सीधा चला गया, वहां कुछ गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी। जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है, क्या नाम है उसका, पी पी एट है क्या है, तुमने पी वन पी टू भी बड़े छोटे छोटे लिखे हैं यार। सर वो कैमरे में दिखाई दे रहा है सर, वैसा छोटा छोटा। हाँ, ये लास्ट वाला जो आपने मिलाया ना पी इलेवन से पी ट्वेल्व, वो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे स्केल स्केल से मिला दिया सीधा सीधा थोड़ा उसमें। ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जो आपने सर मैं समझ गया, पी इलेवन से जो पी ट्वेल्व तक वो एकदम ऐसा सीधा मिला दिया तुमने, थोड़ा कर्व टाइप आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इतनी जल्दी भेज दिया वो भी काबिल तारीफ है। ये मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ अपना डायग्राम, आप लोग पर्सनल मत भेजा करो मेरे को, ग्रुप पे क्या रहता है दूसरे लोग भी देख लेते हैं, अच्छा लगता है, एक दूसरे का भी देख लेते हैं, किसी ने अच्छा बनाया है, किसी ने मीडियम बनाया है, किसी ने ज्यादा अच्छा बनाया तो दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि मैं भी इतना अच्छा बनाऊं, तो ग्रुप पे डालने में थोड़ा सा फायदा ये रहता है दूसरे लोग भी देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को जैसे डाउट है कुछ है तो वो एक दूसरे से कंसल्ट करने के काम में आता है। तो अभी आपको समझ में आया कि जब भी साइक्लॉइड हम बनाए, सॉरी इनवॉल्यूट हम बनाए, तो लेफ्ट में जगह रखिए, ऊपर ज्यादा रखिए। देखिए मेरे को भी प्रॉब्लम आई गई, मेरे से भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मेरे को भी थोड़ा और नीचे लेना था, तो इनवॉल्यूट में थोड़ी आपके पास जगह होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे इनवॉल्यूट अलग अलग शेप का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो सर्किल है, सर्किल के ऊपर अपन ने धागा लपेटा था, सर्किल के आसपास धागा लपेटा था, लेकिन मान लीजिए कोई और शेप है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर हमने धागा लपेट दिया तो एक अलग उसकी मेथड चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। या कोई और शेप है, ट्राइंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, तो हमको हेक्सागन और पेंटागन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी अपने पास 5 मिनट है, या चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस इनवॉल्यूट में, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, क्योंकि फिर मेरे को आपको हेक्सागन सिखाना है। नो सर, क्योंकि अपने पास केवल 5 मिनट बचे हैं, तो मैं सोच रहा था हेक्सागन के बारे में अपन थोड़ा बातचीत कर लें। देखिए हेक्सागन अपन बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन की, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो जाता है कि उसके जो एंगल है और जो सभी भुजाएं वो बराबर रहेंगी। तो हेक्सागन आपको मालूम है कि इस तरह से जो है हम हेक्सागन, आप लोग अपने माइक बंद रखिए, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 साइड्स इन हेक्सागन, और इसका एक सेंटर भी रहेगा, इसका एक सेंटर भी रहेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सेंटर से ये एक एंगल कितने का होगा, तो टोटल कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंगल है, और टोटल जो एंगल होता है वो हमेशा 360 होता है, तो 360 डिवाइडेड बाई, अभी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंगल है, 360 डिवाइडेड बाई 6 तो ये हो जाएगा 60। तो मतलब ये हर एक एंगल जो है अंदर का ये 60 होगा,
तो एक तो तरीका ये है कि हम अंदर वाले एंगल से बनाएं, एक मेथड तो ये है। पहली मेथड ये है कि हम इंटरनल एंगल से बनाएं, 60 से का यूज करके बनाएं, पहली मेथड ये है। दूसरी मेथड है कि हम आउटर एंगल से बनाएं, आउटर एंगल मतलब ये वाला। तो ये एंगल जो है ये होता है 120। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम 60 से बनाएं अंदर से सेंटर से, या 120 से बनाएं हम। दो तरीके हैं हमारे पास। तो पहले मैं ये वाला तरीका बता देता हूं। इस वाले तरीके में अब मान लीजिए 20 mm है, मान लीजिए हर साइड की जो लंबाई है वो 20 mm है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, कि 20 mm की एक लाइन बनाई हमने, मान लीजिए वर्टिकल लाइन बनाई हमने, ये 20 mm की हमने लाइन बनाई, ठीक है, ये 20 mm की लाइन हो गई। अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट से हमको 120 का एंगल बनाना है, 120 का। तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर हम यहां रखेंगे, और यहां से इस तरफ से ये अंदर वाला जो है, नहीं, 120 का एंगल आएगा यहां से, ये जो बाहर वाला है, जीरो से लेके ये 110 और 120, तो ये 120 का एंगल ये हो गया, ठीक है। ये 120 के एंगल पे हमने निशान लगा लिया और स्केल से इसको मार्क कर दिया। अब स्केल से जब अपन इसको मार्क करेंगे तो उसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, 1 और 2। तो ये मैंने फिर से 20 mm बना दिया, और ये जो एंगल था ये कितना था, 120। अब इस तरीके से आपको करते जाना है, इसी तरीके से आपको चारों तरफ करना है। अब ये वाले पॉइंट का यूज कर ले अपन, तो अब मेरे को इस तरफ 120 बनाना है, तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा 120। तो 120 के एंगल बनाते जाना है आपको। ये हो गया, बस लंबाई का ध्यान रखिएगा कि 20 mm आपकी हर भुजा की लंबाई होनी चाहिए। अब ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहां से भी आप 120।